नमस्ते फ्रेंड्स, मैं वैशाली, वैशालीज गार्डन से आप सबका स्वागत है। वैशालीज गार्डन में तो इस तरह से हमारा जो गार्डन है, देखिए बारिश की वजह से प्लांट एकदम खुश है, और जो हमने नई अरेंजमेंट की थी प्लांट्स की, वो भी एकदम बढ़िया से दिख रही है। तो आज हम मिलने वाले हैं हमारे घर के अंदर चलने वाले कुछ ऐसे प्लांट्स से जो हमारे घर में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, और उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी का भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो भी प्लांट्स एकदम हमारे अच्छे से चल सकते हैं। ऐसे प्लांट्स हम आज मैं से आपसे शेयर करूँगी जो इंडोर है। और ये है हमारा बालसम का प्लांट, इसमें भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो आज हम इन सारे प्लांट्स के फ्लावर से मिले हैं। तो अब चलते हैं हम हमारे इंडोर प्लांट्स की तरफ। तो ये है हमारे इंडोर में बहुत ही अच्छे से चलने वाले टॉप मोस्ट 5 प्लांट्स। तो अब हम एक एक करके सारे प्लांट्स की जानकारी लेते हैं। तो पहला है ए डिफरेंट बेकिया का एक प्लांट, देखिए ये इंडोर बहुत ही अच्छे से चलता है। इस टाइम में बारिश के लिए है, थोड़ा सा शेमी शेड में रखा हुआ है, जैसे प्लांट दूसरे प्लांट्स के नीचे रखा हुआ है, इन पर ज़्यादा बारिश ना गिरे इसलिए। और देख सकते हैं आप इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया है, देखिए बहुत ही अच्छे से। और इसको मैंने लास्ट मंथ ही डिवाइड करके लगाया था, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा पफ आ चुके हैं नए, तो इसको शायद मुझे अभी फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। प्लांट एकदम बुशी बन गया है, देख सकते हैं आप। तो ये प्लांट जो है हमारा डिफरेंबेकिया का, ये इनडोर बहुत ही अच्छे से चलता है। और अगर हम ऑफिस में जाते हैं या पानी का रख रखाव ठीक से नहीं रख पाते हैं प्लांट्स का, तो भी हम इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला प्लांट है, आप अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड कीजिए। इसको मिट्टी एकदम सॉफ्ट चाहिए, देखिए इस तरह से एकदम सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, ताकि हमारा प्लांट जो है उसका रूट रॉट न हो सके। उसके लिए मिट्टी मैंने गार्डन सॉइल, कोकोपीट, काउडंग कंपोस्ट और नीम खली, इन सब का मिक्सचर बनाया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर साफ का जो मिलता है उसको डाला है, ताकि हमारा प्लांट का रूट रॉट न हो और इसमें मिलीबग का भी अटैक न हो इसलिए। तो ये है हमारा बेस्ट इंडोर प्लांट डिफरेंबेकिया। नेक्स्ट है हमारा ये, देखिए पिंक वैरायटी वाला सिंगोनियम का प्लांट, देखिए ये भी बहुत ही हार्डी और इंडोर बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने वाला प्लांट है। इसको हम बहुत ही आसानी से अपने घर में ऐड कर सकते हैं, देखिए और खाद की भी इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वाटर को भी ये टॉलरेट कर जाता है कम ज़्यादा हो जाएगा तो इस प्लांट को भी हम अपने घर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। को भी सॉफ्ट वाली मिट्टी बहुत पसंद है, बस इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता रहे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है और बहुत बुशी बन जाता है। देखिए आप देख सकते हैं प्लांट एकदम हेल्दी है और बुशी भी है। तो हमें इसके लिए मिट्टी जो है बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट मिट्टी बनानी है, ताकि हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर सकते। तो ये है हमारा सेकंड बेस्ट इंडोर प्लांट सिंगोनियम।
नेक्स्ट इंडोर प्लांट ये है कोकुलाटा का प्लांट। बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है सेमी शेड और ब्राइट सनलाइट में। इसे भी हम अपने घर में इंडोर विंडो के पास बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी वाटरिंग का ज़्यादा मांग नहीं करता है। तो हम इसको जो भी मैं आज 5 प्लांट्स बताने जा रही हूँ उन सबको अगर हम हफ्ते में 2 बार भी पानी देंगे तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रोथ है, एकदम बढ़िया चल रहा है प्लांट हमारा। इसको भी मिट्टी एकदम मस्त चाहिए। देखिए देख सकते हैं आप एकदम अच्छी सी, ताकि इसको ग्रोथ करने में ताकि इसको ग्रोथ करने में बहुत ही आसानी हो। तो ये है हमारा 3rd वाला प्लांट कोकुलाटा का। नेक्स्ट है हमारा स्पाइडर प्लांट देखिए, और उसी के साथ में मैंने लगाया है उसी रंगों में, ये है मेरा पेपरोमिया। ये दोनों भी प्लांट इंडोर में बहुत ही अच्छे से चलते हैं। देखिए इसमें इस तरह से ऐसे पफ्स निकलते हैं, देख सकते हैं आप, और इसकी ग्रोथ देखिए आप कितना सुंदर है। तो हम इसको भी अपने घर के लिए इंडोर के लिए बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये भी बेस्ट इंडोर प्लांट है स्पाइडर प्लांट। ये नेक्स्ट प्लांट है हमारा, ये है फिलोडेंड्रन लाइम लेमन का, इंडोर बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाला और ब्राइट सनलाइट को पसंद करने वाला। ये हमारा बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत अच्छे से घर में ग्रोथ करता है और इसके हम कम रख रखाव में भी अपने घर में अच्छे से केयर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। इसको भी मॉइस्ट मिट्टी पसंद है और ये प्लांट जो है सेमी शेड में भी बहुत अच्छा चलता है और इसको ब्राइट लाइट की बहुत ही ज़रूरत होती है। आज हवाएं बहुत ही तेज़ चल रही है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहूँगी, बीच बीच पे बहुत ही तेज़ हवा का आवाज़ें आ रही है। देखिए मौसम एकदम बहुत ही बढ़िया हो चुका है अब। तो ये है आज के हमारे टॉप मोस्ट प्लांट जिन्हें हम इंडोर में बहुत ही अच्छे से और आसानी से कम मेंटेनेंस में ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।